गुड मॉर्निंग। आज फिर से एक बार आपके सामने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है मेरी कि आपके सहयोग के बगैर ये बच्चों को काम या जो वीडियोस उनके सब्जेक्टिव के संबंधित डाले जाते हैं वो आपके सहयोग के बगैर पूरा नहीं हो सकता। आप सबको पता है कि न तो आपको पता था ना हमें पता था किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब ये हो गई है स्थिति, हम और आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार से काम करवाना काफ़ी मुश्किल है, क्यों, खेतीबाड़ी से संबंधित हैं, मैं सारा दिन खेत में काम करते हैं और उसके बाद आके बच्चों का काम करवाएं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं आप भी और मैं। मेरे पास भी स्टाफ नहीं है, पता नहीं स्टाफ कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ से मैं मैनेज करके, किसी प्रकार से साधन भी नहीं होते और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बच्चों तक ये काम पहुँचे। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो दिखाने के साथ साथ जो आपके व्हाट्सएप पे जो रिटर्न वर्क जाता है वो आप बच्चों को एक नोटबुक पे लिख के दें, उसके बाद वो लिख पाएंगे। केवल वीडियो देखने मात्र से नहीं होगा, उनको लिखाएं, लिख के दें और उनको साथ साथ में समझाएं। और जो रिटर्न वर्क दिया जाता है उससे संबंधित वीडियो या तो एक दिन पहले या एक दिन बाद डाली जाएगी। और कई बार ऐसा भी है कि जो रिटर्न वर्क दिया जाता है उसके ऊपर एग्जाम्पल्स में लिखा होता है, एक एग्जाम्पल करके दिखाया जाता है, उसके अनुसार आपको वो होमवर्क करना होता है। और जहाँ कुछ कमियाँ रह जाती हैं वो आपके माध्यम से हमें पता लगती हैं, हम कोशिश करेंगे उस प्रकार की दिक्कतें आपको न फेस करनी हो। लेकिन लास्ट में फिर मैं एक रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि जो रिटर्न वर्क आपके पास जाता है वो सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को एक पेपर पर लिख के दें और ताकि वो उसको काम पूरा कर सके। धन्यवाद।